तो मित्रों फिर क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो, मुझे पता है कि वीडियोस बहुत लेट है लेकिन कोई बात नहीं, आज से बिल्कुल लगातार वीडियोस आएंगी, आप हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस बंदे की तरफ, आपको पता होगा कि शादी के नाम पर अक्सर धोखे होते रहते हैं, ज्यादातर लड़कों के साथ ऐसा ही हुआ कुछ इस बंदे के साथ। इसने भी अपनी मुन्नी से बहुत ही धूमधाम से शादी की और सभी रीति रिवाज के साथ शादी करके जब घर मुन्नी को लाया और तभी यार मुन्नी की मुँह उठाई, मेरा मतलब यार मुँह दिखाई रस शुरू हुई। इसने यार जैसे ही घूंघट उठाया दुल्हन के बेस में बिल्कुल कुछ और ही था, यानी कि दुल्हन नहीं मिली इसको, दुल्हन की बड़ी बहन से इसकी शादी करवा दी गई थी, वो भी धोखे के साथ। और मुन्नी की बड़ी बहन यार कुछ दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। तभी यार दूल्हा हैरान परेशान बोलता है कि मैं तो सुशील मुन्नी से शादी करने गया था, ये मुझे क्या दिलवा दिया। इसलिए दोस्तों जब भी शादी करें दुल्हन का घूंघट उठाकर जरूर देखें, क्योंकि यार पता नहीं दुल्हन के बेस में अंदर क्या हो। खैर दोस्तों अब ये भाई सब चक्कर लगा रहे हैं पुलिस स्टेशन के, बेचारा क्या करे, बोलता है कि मैं उस मुन्नी के यानी कि बड़ी मुन्नी के साथ नहीं रह सकता, मुझे तो सुशील और छोटी मुन्नी चाहिए थी। खैर पता नहीं भाई साहब के साथ अब क्या होगा। और यहाँ पर देखो इस मुन्नी की तो अलग ही तकलीफ है, यानी कि इसका मुन्ना इसकी तरफ नहीं देख रहा। देखो यार क्या क्या कह रही है। तभी यार मुन्नी करती है शीशा नीचे, यानी कि दरवाजे की खिड़की खोलती है, दूल्हा यार देखने लग गया, देखो देखो कैसे देख रहा है, और मुन्नी भी नाच रही है। अब खुश है ना, पड़ गई कलेजे को ठंडक। तो चलो यार शादी प्यार मोहब्बत की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखो इस मुन्नी की तरफ, इसको प्यार हो गया है, वो भी बाबा जी के साथ। अरे मुन्नी तुमको बाबा ही मिला, बोलती है कि बाबा बाबा तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। देखो यार क्या क्या कह रही है। हाय दोस्तों इतनी सच्ची भक्त, यानी कि बोलती है कि मरते हैं हम तुम पे बाबा जी, तुम्हारे बिना हम लोग मर जाएंगे, इसलिए मैं सोचूं कि बाबा जी ने ये गाना क्यों गाया कि यू आर द लव चार्जर, लेकिन अब पता चल रहा है कि बाबा जी ने ये गाना क्यों गाया था। बाकी यार बाबा जी है बहुत महान, बोलो यह बाबा की। और यहाँ पर देखो शादी में लाई गई थी रथ, और लोग देखो यार रथ के ऊपर कैसे नाच रहे हैं, रथ वाले की तरफ देखो, बोलता होगा कि अबे सालो क्या कर रहे हो मेरे रथ के ऊपर, मेरे रथ की ऐसी की तैसी कर दोगे, बेचारा क्या करे अब तो ये फंस चुका है। और लोग बिल्कुल दारू शारू पी कर यार कुछ भी करके नाच रहे हैं, बोलते हैं कि आए तो मुन्ना तेरी रथ तोड़ देंगे। बेचारा ये मुन्ना आज के बाद किसी की भी शादी में अपना रथ लेकर नहीं जाएगा, साला कुत्तों की तरह नाचते हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों सालियों ने बारात को रोक रखा था, यानी कि कुछ मांग रही होंगी पैसे वैसे, आपको पता होगा कि सालियाँ शादियों में करती है वसूली, वो भी दूल्हे वालों से। तो यार ये भी करने लगी वसूली, यानी कि दूल्हे से 21,000 रुपया मांग रही हैं। तभी दूल्हे वालों ने क्या बोला सुनो आप। बड़ी फ्रॉड करने वाली यार खड़ी मुझ पर यार की, कंपनी ढाई सौ बर्बाद करेगी यार। आय है दोस्तों बेचारी सालियों की कर दी बेइज्जती, सालियां क्या करे, वो तो वसूली करके रहेंगी। और यहाँ पर देखो दूल्हे की भाभी का नई नवेली दुल्हन के साथ शादी में डांस है, और देखो देखो यार आप भाभी की तरफ देखो, अरे ये भाभी नहीं ये तो जिंदा भाभा है, भाभा इतना खतरनाक भाभा लग रहे हैं अभी, यानी कि ये कैसी भाभी है, मैं जरा इसके पति को देखना चाहता हूँ, अगर भाभी ऐसी हो सकती है तो इसका पति बिल्कुल यार कंगारू, मेरा मतलब यार बिल्कुल भालू दिखता होगा भालू। और तभी यार भाभी का खतरनाक डांस देखने के बाद दुल्हन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बोलती है कि भाभी भाभी यानी कि भाभे भाभे मैं भी बहुत बढ़िया डांस करूंगी, देखो देखो यार नहीं रुक रही, बोलती है कि भाभा भाभा तुमसे बढ़िया डांस करके ही मानूंगी। और यहाँ पर देखो यार भाई साहब को शादी की बहुत खुशी है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से दूल्हे का रिश्ता हुआ है, दूल्हा है बहुत खुश, बोलता है कि आज तो बिल्कुल धरती को फाड़ देंगे, लाला लाला कर देंगे, सब कुछ उखाड़ डालेंगे उखाड़, देखो यार बिल्कुल तूफानी डांस कर रहा है। बल्ले ले मुन्ने राजा नाच ले, अभी मौके है अभी अभी नाच ले, बाद में तो दुल्हन तुम्हें अच्छी तरह से नचाएगी, तब पता चलेगा कि शादी कितनी खतरनाक चीज है। वो बेबे ये क्या कर रही है, तुम्हारा पति यानी कि रामू गया है काम पर, लेकिन इसको शर्म नहीं है, वो उधर पसीना बहाकर इसके लिए पैसे ला रहा है, लेकिन यह है बहुत चालू, देखो देखो यार बिल्कुल शरियाम सभी को पप पपियां बांट रही है। अरे मुनी अब बस कर नहीं तो सारी पप पपियां खत्म हो जाएंगी तेरी। क्या देखना पड़ रहा है,
अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या करना दोस्तों, इसके रामू की ऊपर वाला रक्षा करे। आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो, आपको हंसाने का फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।